आपसे कुछ नहीं बहुत कुछ कहने और साथ ही साथ आपकी यादों को रिफ्रेश करने आ गई है आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रिंसी, आपके लिए लेकर बहुत सारा एंटरटेनमेंट। यानी कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट का डोज आपको हर रोज मिलने वाला है आपके अपने शो में, जहाँ आपके चहीते स्टार्स के फैंस आपका करते हैं हर सपना पूरा, क्योंकि इस शो का नाम है अंदाज अपना अपना, गुड़गांव का अपना बॉलीवुड। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो, तेरे इश्क में कुर्बा हुआ। बेबो मैं बेबो, मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हर एपिसोड में हम आपको रूबरू कराते हैं आपके चहीते स्टार के फैन से, तो चलिए दोस्तों आज आप सभी को माननी पड़ेगी मेरी बात जरूर जरूर, क्योंकि आज का हमारा ये शो है ऑल डेडिकेटेड टू करीना कपूर। और दोस्तों जहां करीना कपूर की बात हो तो लेट मी टेल यू, इस वक्त हम है DLF की गैलेरिया मार्केट में। एक ऐसा नाम जो हजारों दिलों की धड़कन बन चुका है, जिसने ना सिर्फ दिल वालों के दिल का करार लूटा है बल्कि उनके चैन उनके प्यार पर भी कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों चलिए आइए ढूंढते हैं कुछ ऐसे ही करीना कपूर के फैंस को और करते हैं उनसे थोड़ी सी बातें शाते। So, यहाँ पर मुझे करीना कपूर की तो बहुत ही प्यारी प्यारी सी फैंस मिल गई है और बहुत क्यूट भी लग रही है, तो चलिए आइए देखते हैं कि करीना कपूर से ज्यादा क्यूट ये है या नहीं। वेल आई थिंक बहुत क्यूट है, बहुत स्मार्ट है और बहुत स्टाइलिश है ये। करीना कपूर को भी शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है इनको देख कर। फिलहाल चलिए हम इनसे जानते हैं कि इनको करीना कपूर कैसी लगती है। Okay, तो आपने करीना कपूर की कोई हाल फिलहाल में अभी लेटेस्ट मूवी देखी है? I've seen Jab We Met. Okay, तो आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगी है उस फिल्म में? She's amazing. She's really nice. Okay, तो अगर आपको एक दिन के लिए गीत बनने का मौका मिले तो क्या आप उनके कैरेक्टर को परफेक्टली बहुत मैच कर सकते हैं? No, she's acted really well. I can't meet up to what she did, but I'm sure I wouldn't mind playing that. And your favorite song, Jab We Met का कोई भी बहुत अच्छा गाना जो आपको लगा? I don't really remember the song right now. कोई भी याद नहीं है? नगाड़ा। तो आपको डांस करना आता है? ओके फाइन, एनीवेज मैं डांस करने के लिए नहीं कह रही थी, सिर्फ पूछ रही थी कि आपको नगाड़ा नगाड़ा पे डांस करना आता है या नहीं। वैसे भी आपको देखकर लगता है कि आप डांस बहुत अच्छा करते होंगे। एनीवेज थैंक्स, नाइस टू टॉक टू यू। सो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा मुझे करीना कपूर की एक बहुत ही प्यारी सी फैन मिली थी, जिन्होंने मुझे बताया कि उनको हाल फिलहाल की मूवी का तो पता नहीं था पर उन्होंने जब वी मेट ज़रूर देखी थी और उनको करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट बहुत पसंद आई थी। और अगर मैंने उनसे पूछा था कि उनको गाना कौन सा अच्छा लगा तो उनको सबसे अच्छा गाना नगाड़ा नगाड़ा लगा था। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि टैलेंट यहाँ पर देखना अभी बाकी है। कपूर की लाडली, सैफू की डार्लिंग और सबके दिलों की धड़कन, बेबो के कहने ही क्या,
वैसे तो बेबू ने डेब्यू किया था बॉलीवुड में फिल्म रिफ्यूजी से 2000 में, लेकिन उस फिल्म से रिकॉग्निशन उनको इतनी नहीं मिली क्योंकि वो फिल्म हो गई थी सुपर डुपर फ्लॉप। लेकिन फिल्म हुई थी फ्लॉप, लेकिन फिल्म के साथ साथ करीना हो गई थी उस फिल्म से हिट। फिर क्या था, उनको एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आने लगे। आफ्टर ऑल थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन तो उनको मिल ही गई थी फिल्म रिफ्यूजी से। और फिर क्या था, रिफ्यूजी से रिकॉग्निशन मिलने के बाद करीना को एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आने लगे। और जब फिल्मों के ऑफर आएंगे तो स्लोली एंड स्टेडिली जाहिर सी बात है करीना आ जाएंगी टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में। सो वही हुआ, और आज आप सभी देख सकते हैं कि करीना पहुंची है टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में। तो चलिए आइए अब ढूंढते हैं करीना के कुछ ऐसे ही फैंस को जो उनसे करते हैं बेहद प्यार। यहाँ पे मुझे करीना के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार चार फैंस दिख रहे हैं। तो दोस्तों आइए चलिए इनसे करते हैं कुछ बातें और इनसे जानते हैं करीना के बारे में। तो आप ये बताइए आपको करीना कैसी लगती है? हॉट एंड सेक्सी। हॉट एंड सेक्सी, बहुत ही सिंपल सा आंसर था, हॉट एंड सेक्सी। टू वर्ड्स में खत्म हो गया है, लेकिन इन दो वर्ड्स के पीछे बहुत सारी बातें भी छिपी हैं। तो आइए इनसे और भी कुछ जानते हैं। तो अच्छा आप एक बात बताइए करीना की, आपने लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी? रावण। रावण, ओके। रावण में एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था और शाहरुख ने उस पे डांस किया था, क्या आपको पता है वो सॉन्ग कौन सा? चमक चलो। आप मुझसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। या चमक चलो, ऑब्वियसली चमक चलो। ओके, तो क्या आपको सॉन्ग की लाइंस आती है? ओनली टू लाइंस। या एग्जैक्टली, वन ऑफ मी चमक चलो। ओके, सारी एक साथ अगर गाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यू जस्ट हैव Two lines, guys. Yeah, come on. Let's just do the. You wanna be my chamak chalo, okay? Actually, it's on three. Wanna be my chamak chalo, oh oh. Wanna be my chamak chalo. ओके नाइस। तो अच्छा एक बात बताइए, नाउ यू लाइक, अगर आपको करीना कपूर की कोई भी 5 मूवीज के नाम बताने के लिए कहा जाए नॉन स्टॉप, तो आपको कौन कौन सी मूवीज याद है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब वी मेट रावण, दैट्स इट ओके। क्वेश्चन पासेस, क्वेश्चन पासेस ऑन यू। आपको स्टार्ट करना है 5 मूवीज के नाम। कभी खुशी कभी गम, टशन, जब वी मेट, बॉडीगार्ड एंड रावण। ओके, सो यहाँ पे इनको बहुत कुछ पता है, सॉन्ग भी पता है, मूवी भी देखी है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं और भी फैंस की तलाश कर रही हूँ। आई होप मुझे बहुत सारे करीना कपूर के ऐसे ही फैंस मिल जाए, लेकिन आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पे टैलेंट देखना अभी बहुत सारा बाकी है। अगर बात करीना कपूर की फिल्मों की हो तो करीना बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी है, फिर चाहे वो सीरियस रोल्स हो या फिर कॉमेडी रोल्स, एग्रेसिव रोल्स हो या फिर रोमांटिक रोल्स। और वैसे भी करीना कपूर के फैंस को उनका हर रोल, हर रूप बहुत ही पसंद आता है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलिए दोस्तों आइए मेरे साथ, अब करीना के कुछ ऐसे ही फैंस को हम ढूंढने वाले हैं और उनसे कुछ और प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे करीना कपूर के एक और फैन मिल चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको करीना कपूर कैसी लगती है। शी इज फाइन, शी इज ब्यूटीफुल एंड माय डॉटर इज लाइक हर फिल्म, सो फॉर मी शी इज अ गुड। ओके, तो इनकी डॉटर को भी करीना कपूर बहुत अच्छी लगती है और इनको भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर करीना आपके सामने आ जाए सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आई विल गॉट सरप्राइज एंड quite shocked that she's here. Okay, अगर आपको कोई गाना dedicate करना हो उन्हें, तो कौन सा song dedicate? I think for the Gaman movie, because my daughter liked that movie very much. And I'm not able to recall the song, if you can help me. Chamak Chalo? Yeah, Chamak Chalo, yeah. Okay, तो आप गा के सुनाएंगे? Chamak Chalo, I think my daughter can sing, sing very well. Jovika, Chamak Chalo. You are Chamak Chalo. Oh, oh. कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं आता है, अगर प्यारी प्यारी बातें सुन ली जाए या सॉन्ग की एक लाइन भी सुन ली जाए वो मोर देन इनफ होती है।
फूल नहीं महकता मुरझाने के बाद, तारे टूट जाते हैं एक अरसे के बाद। आप कहीं मत जाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो कीप वॉचिंग योर फेवरेट शो अंदाज़, अपना अपना गुड़गांव का अपना बॉलीवुड।